Hey guys, so welcome back to our channel Madnish. मैं हूँ निशित और एक और नया एपिसोड लेके हम आपके सामने आ चुके हैं और ये वाला जो वीडियो है वो होने वाला है एक्सप्लोर अहमदाबाद सीरीज का। तो मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ पे जैसे ही बारिश होती है अहमदाबाद जो कि वहाँ पे लाइन लग जाती है, ठीक है? तो डायरेक्ट वहीं पे चलते हैं, चलो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अंबिका दाल वड़ा और जैसे आप देख सकते हो ऑलरेडी बहुत सारी लाइन यहाँ पे लग चुकी है और हम आज लेंगे अंबिका दाल वड़ा। और ये निशि सामने खड़ा है, देखो लाइन में कितना सारा वेटिंग है। हाय। और वो है अंबिका दाल वड़ा। A few moments later. देखो लाइन कितनी बढ़ गई है, देखो ये पूरी लाइन है, बढ़ गई है। और फाइनली आधा घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद मेरे पास दाल वड़ा आ गए, ठीक है? अभी हम इसको रिव्यू करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और ये आ चुका है निश्चित, बहुत लंबी लाइन थी, आधा घंटा लाइन में, सीरियसली मिनिमम आधा घंटा से ज्यादा हुआ ना? हाँ हुआ ही है। चल अभी तो देखो, अभी और लाइन बढ़ गई। हाँ देखो ना, मैंने ये देखो और लाइन बढ़ गई। मुझे तो उसकी फ्रेग्रेंस आने लगी है, खाने का मन होने लगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। बारिश आती नहीं कि अहमदाबाद को दाल वाला बस खाना है बस थोड़ी सी बारिश आती है, थोड़ी सी बारिश ऐसे बहाना चाहिए दाल वड़ा खाने का। सही है, चलो अभी चलते हैं। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट एक्सप्लोर अहमदाबाद सीरीज, ठीक है? तो हमारी एक्चुअली पर्सनल लॉग कपल लॉग चैनल है, ठीक है? तो एज ए कंटेंट क्रिएटर हमें कंटेंट ढूंढना पड़ता है, ठीक है? अभी हम रोज़ आपको घर का कंटेंट दिखाएंगे तो आपको भी आप भी बोर हो जाओगे। तो इसलिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया एक्सप्लोर अहमदाबाद सीरीज। अभी इसमें हम क्या करने वाले कि हमारे व्लॉग के साथ साथ ही हम अहमदाबाद की जो फेमस जगह है देखने लायक और खाने लायक वो सब इंक्लूड करने वाले हैं। सो दैट क्या होगा, अगर आप अहमदाबाद के हो और अगर आपने वो चीज़ एक्सप्लोर नहीं तो आप कर सकते हो, और अगर आप अहमदाबाद के नहीं हो लेकिन कभी अहमदाबाद आते हो तो भी आप वो एक्सप्लोर कर सकोगे। तो उसके लिए हम सेपरेट प्लेलिस्ट बना रहे हैं, इसलिए कई बार हम बोले कि एपिसोड जाने वाला है एक्सप्लोर अहमदाबाद सीरीज का, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग इज़ अबाउट व्लॉगिंग। आई होप यू अंडरस्टूड। सो बेसिकली जो भी हम पॉपुलर जगह हो खाने की हो देखने की होगी उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना एक्सप्लोर अहमदाबाद, सो दैट यू कैन गो एंड सर्च अबाउट प्लेसेज एंड थिंग्स टू वॉच इन अहमदाबाद। बस ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन था क्योंकि मुझे ऐसा रिव्यू मिले थे कि लास्ट टाइम जो हमने कर्नाटक दाबेली का वीडियो किया उसमें हमने थोड़ा पर्सनल एलिमेंट डाला तो लोग बोर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, पर्सनल एलिमेंट तो हमेशा रहने ही वाला है। साथ साथ में हम आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन या जगह या कोई ब्रांड दिखा देंगे जो अहमदाबाद की फेमस हो और जहाँ पे आप खुद जाके विजिट कर सकते, ठीक है? तो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। सोचा था कि ये बारिश का मौसम है तो हम दाल वड़ा पैक करवा के रिवर फ्रंट जाते,
और फिर वहाँ पे आराम से खाते, भी उसका ठिकाना नहीं होता। कभी बारिश एकदम से आ जाती है एकदम, और कभी एकदम से धूप निकल जाती है। और अभी बहुत धूप निकली हुई है और बाहर बहुत गर्मी है, तो हमें प्लान में कुछ चेंज किया है, राइट? यस, हम घर जाके ही उसको रिव्यू करेंगे। एक्चुअली हमने दो पैकेट बुक किया, मतलब पैक करवाए थे, एक हम रिवर फ्रंट आके खाएंगे, रिव्यू करेंगे और बाद और दूसरा पैकेट घर पे लेके जाएंगे। लेकिन अभी प्लान में ट्विस्ट, तो दोनों पैकेट लेके घर और वहाँ पे जाके सब मिलके खाएंगे, सब मिलके रिव्यू करेंगे, ठीक है ना? और कार में इतनी स्मेल आ रही है, बहुत स्मेल आ रही है, आ रही है ना कि खाने का आके अभी के अभी खा ले, गाड़ी यहाँ पे रुके और खा जाए, और यहाँ पे साइड पे खड़ी होके हम खा ले, सही है, इतनी मस्त स्मेल आ रही है। तो हम आपको भी दिखाएंगे, तो चलते फटाफट से घर, घर पहुँच रहे, फटाफट घर पहुँच रहे और मस्त दाल बना। Many, many minutes later. तो दाल बड़ा हाजिर है, और ये साथ में ऑनियन और चिली, ये ऑनियन में नींबू डाल के देते हैं मस्त, ऐसा ऐसा। तो जैसे मैंने बताया था, एक और दो पैकेट में लेकर आया, क्योंकि पहले दूसरा पहले प्लान कुछ अलग था, फिर बाद में प्लान कुछ अलग हो गया। ठीक है माधवी, दूसरा पैकेट निकल रही है, जस्ट कांट रेजिस्ट। टूट पड़ो, अरे हम चाय के साथ, मैं चाय के साथ खाऊंगी। चाय के साथ ऑनियन? हाँ। खा सकते? मैं खाती हूँ चाय के साथ। खा सकते? कोई बात खाओ। तो ये दाल बड़ा आ गए, कितने दिनों से प्लान कर रहे थे पापा दाल बड़ा खाने का? बहुत दिनों से वेट, कितने दिनों से वेट कर रहे थे कि बारिश, 10-12 दिन से वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे थे। मैं एक चीज बताता हूँ, ये चीज दादा की फेवरेट थी। दादा की? हाँ। अच्छा, अगर कोई घर पे आता था तो वो पहले यही बोलते थे दाल बड़ा लेके आओ। अच्छा, सही बात, ये तूने अच्छी बात की। अरे मम्मी हमारा वीडियो देख रही है जो अभी अभी आया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो 5 बजे आ जाता है, रोज देख सकते हैं। और मम्मी अभी मोबाइल को खेल रही है, और ये माधवी ने किसी की भी वेट नहीं की और फटाफट दाल बड़ा खाने लगी। और ये देखो सब, अहमदाबादी को बस बना चाहिए, एक बार बारिश आनी चाहिए फिर दाल बड़ा चालू, ऐसे खाने का, सभी करो। क्या लगेगा दाल बड़ा? मस्त, दाल बड़ा और ये एकदम सॉफ्ट है, और ये अंदर से यस यम्मी यम्मी। और इसको खाते हैं अनियन के साथ, अनियन और मिर्च के साथ, मिर्च के साथ। और ये अनियन में डाला उन लोगों ने नींबू, मस्त नींबू मार के। इसका मतलब रेडीमेड ही मिलता है, खीरा भी मिलता है? इसका खीरा भी मिलता है, अगर आपको घर पे बनाना है तो आप बना सकते हो, वहाँ पे खीरा भी मिलता है। और है ना वहाँ पे ऐसा लिखा था विदाउट धनिया भी मिलता है, ऐसा कुछ लिखा था। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ा। और बहुत तीखी है के मौरी है मैंने बहुत खाई, और ए मिर्च के साथ, हां मिर्च तीखी नहीं है, मैंने बहुत खाई, नहीं तीखी नहीं, यू कैन या पक्का पक्का नहीं तीखी नहीं, मैंने बहुत खाई है। हां बहुत सारे एरिया में अवेलेबल है, तो अपने गूगल में जाके अंबिका दारवाड़ा नियर में गूगल में लिखो तो आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे एरिया में तो किसी एरिया का पर्टिकुलर एड्रेस नहीं डालेंगे, हमने लिया है वो प्रहलाद नगर रोड से लिया है। और आपने देखा ना कितनी बड़ी लाइन थी वहाँ, और बारिश के मौसम में तो होती है। अहमदाबाद को सिर्फ आना चाहिए, एक बूंद बारिश गिरी नहीं है कि अंबिका दारवाड़ा के बाहर लाइन लगाई नहीं, लाइन लगा लो। उसको चाय के साथ खा, करो करो एंजॉय करो मस्त। अभी बज चुके 5:30, और फिर खाने का क्या प्रोग्राम है? अभी तो खा लिया, अभी तो अभी कुछ लाइट बनाना पड़ेगा।
तो मुझे लगता है कि बात जाएगी या तो वगैरह खिचड़ी पे या तो बटे कप वहाँ पे ओनली फॉर सूप ओनली फॉर कौन सा सूप बने टोमेटो सूप अथवा स्वीट कॉर्न आपको कौन सा चाहिए। तो दोस्तों ऐसे हमने सबने मिलकर दाल बड़ा को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और आप अगर अहमदाबाद के हो तो आपको पता ही होगा कि जैसे बारिश आती है तो हम सब अहमदाबाद कैसे दाल बड़ा खाने के लिए निकल पड़ते हैं और फटाफट लाइन में जाके लेके वापस आ जाते हैं। और लेकिन अगर आप अहमदाबाद के नहीं और कभी भी अहमदाबाद आते हो तो दाल बड़ा और अंबिका का दाल बड़ा ज़रूर ट्राई करना और कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा। ये हम आगे हमारी जर्नी कंटिन्यू रखेंगे और जर्नी में आप जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अभी मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।